सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, Redmi ने कुछ दिन पहले उसके दो फोन लॉन्च किया है, एक Redmi Note 7 और एक Redmi Note 7 Pro। और इसी महीने में Redmi के और एक फोन आ रहा है, वो है Redmi Note 7 S। S एक न्यू सीरीज है, ये सीरीज भी Redmi Note 7 के साथ ही ला रहा है। और ये फोन भी एक कैमरा सेगमेंट का फोन हो सकता है, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो हाईलाइट है 48 मेगापिक्सल। तो आज हम जान लेंगे ये फ़ोन के प्रोसेसर क्या होगा, कैमरा क्या होगा, इसका डिस्प्ले क्या होगा, इसका बैटरी क्या आएगा, फास्ट चार्जर आएगा या नहीं आएगा, यानी कि फुल स्पेसिफिकेशन क्या आने वाला है इस फोन का, इसको लेके हम आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न जी, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। चलिए जान लेते हैं Redmi Note 7 S फोन के बारे में, इसका फुल डिटेल्स क्या होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेकर। इस फोन में जो डिस्प्ले आएगा वो आएगा 6.3 इंच के FHD प्लस डिस्प्ले आएगा, जिसका एस्पेक्ट रेशो रहेगा 19.5:9, यानी कि अच्छे एस्पेक्ट रेशो के साथ आने वाला है। और इसका पिक्सल डेंसिटी रहेगा 409 PPI। और ये कोल्डिंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन भी इसमें मिलेगा, और वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आ रहा है। और ये IPS LCD डिस्प्ले होगा, यानी कि डिस्प्ले की तरफ से जो Redmi देता है हर एक फ़ोन में वैसा ही डिस्प्ले दिया है। Redmi Note 7 में जो डिस्प्ले था, इस फोन में सेम टू सेम डिस्प्ले मिलेगा। अभी आते इस फोन के प्रोसेसर को लेकर, इस फोन में जो प्रोसेसर आएगा वो एकदम न्यू प्रोसेसर है, वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G। 730G यानी कि गेमिंग प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा, गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर एकदम सही है। और इसी कारण इस प्रोसेसर के पीछे जो लिखा हुआ है जी, यानी दो प्रोसेसर है, एक है 730 और एक है 730G। जो 730 है वो नॉर्मल प्रोसेसर है, मगर जो 730G है वो गेमिंग के लिए ही बनाया गया है, इसलिए ये फ़ोन में गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। अभी आते हैं इसको ग्राफिक्स को लेकर। इसमें जो ग्राफिक्स मिलेगा वो मिलेगा एड्रिनो 618, यानी कि अच्छा ग्राफिक्स मिलेगा गेमिंग के लिए। एक्चुअली ये फ़ोन लगता है गेमिंग के लिए बनाया गया है, क्योंकि रियलमी ने जब उसका रियलमी 3 प्रो लाया था, कुछ फोर्टनाइट को लेकर बात कर रहा था, इसीलिए लगता है शायद इस फ़ोन में फोर्टनाइट चला के दिखा देगा। हाँ, रेडमी के फ़ोन में फोर्टनाइट चलता है, और ये फ़ोन फोर्टनाइट चलने के लिए एकदम सही है, और इसका प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है। अभी आते हैं इसके रैम वेरिएंट को। इसमें कितना रैम मिलेगा, 4GB और 64GB की रैम इसमें मिलेगा, एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 256GB तक। इसका और एक वेरिएंट भी आ सकता है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मगर 4GB और 64GB का एक वेरिएंट आएगा ही आएगा। अभी आते हैं इसके कैमरा को लेकर, क्योंकि ये फ़ोन जब आने वाला है, इसके टीजर पेज में भी कैमरा को हाईलाइट किया गया है। 48 मेगापिक्सल का सोनी के सेंसर के साथ आएगा, और एक आएगा 5 मेगापिक्सल, यानी कि रियर में दो कैमरा देखने को मिलेगा, एक 48 मेगापिक्सल और एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा। और इसके जो फ्रंट कैमरा रहेगा वो रहेगा 13 मेगापिक्सल, यानी कि रियर कैमरा जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि हमने देखा है Redmi Note 7 Pro का कैमरा जो है ठीक ठाक है, मगर उसमें कुछ दिक्कत था, जैसे उसको जूम करके फ़ोटो नहीं ले सकते, उसको प्रो मोड में जाके ही फ़ोटो ले सकते। इसमें ऐसा होगा क्या वो मालूम नहीं है, मगर जब उसको नॉर्मल जो फ़ोटो आता था वो एकदम सही आता था, इसी कारण ये फ़ोन में भी कैमरा को लेकर कोई इशू नहीं रहेगा, कैमरा ये फ़ोन का बहुत ही अच्छा। इसके बाद आते हैं इसके बैटरी को लेकर, बैटरी कितना आएगा, क्योंकि अभी कुछ भी फ़ोन निकलेगा अगर 4000 mAh के नीचे बैटरी होगा तो वो फ़ोन ज़्यादा नहीं बिकता, क्योंकि सबके सब अभी मोबाइल में गेम खेलता है, अगर गेम खेलेगा तो उसके लिए बैटरी एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि बैटरी अच्छा नहीं होगा तो फ़ोन में गेम ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाओगे। इसीलिए इस फ़ोन में जो बैटरी आने वाला है वो है 4100 mAh की बैटरी आएगा, फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, मगर Redmi का फास्ट चार्जर कभी भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं मिलता है, इस फ़ोन में मिल रखता है नहीं मिलेगा, अगर दे दिया तो अच्छा बात। दोस्तों, अभी आते हैं इसके सॉफ्टवेयर को लेकर, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट क्या मिलेगा। इसमें एंड्रॉयड पाई अपडेट आपको आउट ऑफ बॉक्स मिल जाएगा, और MIUI 10 भी इसमें मिलेगा आपको, यानी कि सॉफ्टवेयर की तरफ से कोई भी इशू आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी एक चीज़ है कि Redmi के जो अपडेट आता है वो एकदम सही आता है, इसी कारण Redmi अभी मार्केट में इतना अच्छा जगह बना लिया है। अभी इसका प्राइस में आ जाता है, इसका प्राइस क्या हो सकता है।
रेडमी नोट 7 प्रो आया था कुछ 14,000 में और रेडमी नोट 7S जो आएगा वो कुछ 15,000 में आएगा, क्योंकि रेडमी नोट 7 प्रो में जो जो फीचर्स है रेडमी नोट 7S में भी वही फीचर्स है। एक चीज़ का इधर उधर करके ये फ़ोन लॉन्च किया है, वो है प्रोसेसर, क्योंकि रेडमी नोट 7 प्रो में जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 और इसमें मिलेगा 730G, इसी कारण 1,000 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। मगर इसका जो कैमरा अच्छा होगा, इसका जो प्रोसेसर ये भी अच्छा होगा, ये फास्ट चार्जिंग के साथ भी आएगा, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ोन एकदम ठीक ठाक ही आएगा। और एक बात है, ये फ़ोन कहाँ मिलेगा? ये फ़ोन मिलेगा फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव में, क्योंकि फ्लिपकार्ट के इस फ़ोन का टीज़र पेज आ गया है। फ्लिपकार्ट में अगर टीज़र पेज आ गया है तो ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट से ही मिलेगा। तो अभी देखो फ्लिपकार्ट में अच्छा अच्छा ऑफर भी चलता है, कभी ये फ़ोन ऑफर में भी आया तो कुछ कम भी मिल सकता है, जैसे बैंक ऑफर में आपको आ सकता है, बैंक ऑफर में आपको आया तो ये फ़ोन कुछ 200-500 रुपया कम में भी मिल सकता है, यानी कि रेडमी नोट 7 प्रो की कीमत में भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना, क्योंकि अगर आप इस बेल को प्रेस करके रखोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे तो डेली हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और दोस्तों आज से हम और भी दो वीडियो अपलोड करेंगे, एक तो वीडियो करते हैं टेक न्यूज़ के वीडियो हम अपलोड करते हैं, कुछ 90 डेज हम टेक न्यूज़ ऑलरेडी दे रहे हैं, और जो एक वीडियो आएगा वो आएगा मनी अर्निंग ऐप को लेकर, ये आएगा कुछ 11 बजे से 12 बजे या 1 बजे के बीच। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनी अर्निंग ऐप के बारे में, कि बहुत से मनी अर्निंग ऐप है जो ऐप इंस्टॉल करके आप पैसा भी कमा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल।